जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मैं दूसरी राधा, कृष्णप्रिया, बाबा कृष्णानंद, डीके पंडा, पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्ण चंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत, बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण। स्त्रियों के बारे में, नारी स्वभाव का चर्चा करने के बाद अब नारी या स्त्रियों के की स्थिति क्या है सनातन धर्म में, और उनका कर्तव्य क्या है, उनको कैसे रहना चाहिए, उठना बैठना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, उनसे क्या अपेक्षाएँ हैं, इस पर हमारा सनातन धर्म में नियम दिए। खास करके पतिव्रता स्त्री के क्या धर्म हैं, ये बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि जब महाभारत युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन का विषाद योग हुआ, जब घबरा गया अर्जुन और ये कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, उसमें वो एक कारण ये भी दिया कि युद्ध में ये इतने सारे लाखों लोग मर जाएंगे और उनकी सब पत्नियाँ जो हैं वो विधवा हो जाएंगी, और जब विधवा हो जाएंगे तो बेसहारा हो जाएंगे, तो बेसहारा हो जाएंगे तो बाकी पुरुष जो है, जो जिसका जहाँ पहुँच हुआ वो उनको कब्जा कर लेगा, और उनसे फिर वर्णशंकर पैदा होंगे, इललेजिटिमेट चिल्ड्रेन, नाजायज औलाद जिसको कहते हैं, वो पैदा होंगे, जन्म होंगे, और उनको वर्णशंकर कहते हैं, मतलब जिनका कोई जाति उति का ठिकाना नहीं, वो विधवा औरतें हैं, बेसहारा हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं, तो जो आदमी चाहे उसको पकड़ के खींच लिया या जो भी किया, तो ये एक चिंता का विषय है। तो इसीलिए पतिव्रता स्त्री कह देने मात्र से ही आदमी निश्चिंत हो जाता है कि वो स्त्री दूसरे पुरुषों के साथ अनुचित संबंध, अनैतिक संबंध नहीं करे। तो इसलिए जो बच्चे उसके पैदा होंगे वो खानदानी बच्चा पैदा होंगे, उसी वंश परंपरा में जो संस्कार है वो संस्कार वाले बच्चे पैदा होंगे। क्षत्रिय है, चित्राणी है, क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय बच्चा पैदा होगा, तो क्षत्रिय में जो गुण होने चाहिए, शूरवीर होना चाहिए, दान दक्षिणा वाला होना चाहिए, अच्छे विचार वाला होना चाहिए, पूजा पाठ करने वाला होना, इस तरह के जो भी गुण दिए गए हैं क्षत्रिय के, वो सब उसमें होंगे। और नहीं तो फिर कोई शूद्र से अगर हो गया, कोई किससे हो गया, तो फिर वो गड़बड़ हो जाके उसमें सब गड़बड़ हो जाए, हो जाता। इसलिए पतिव्रता स्त्री और स्त्री की को सुरक्षित रखने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सबकी रहती है कि स्त्री, जो स्त्रियां होते हैं, जब भी जैसे जो राजपूताना में मुगलों का आक्रमण हुआ है तो क्या देखने को मिलता है, इतिहास क्या कहता कि हजारों राजपूत स्त्रियां जो हैं वो जौहर कर लेती हैं, अपने आप को अग्नि में प्रवेश करके अपने को जला डालती हैं, मर जाती हैं, नहीं तो मुगल के जो सैनिक होंगे या राजा होगा वो उनको पकड़ के उनके साथ अनुचित संबंध करेंगे और वो बच्चे गलत सलत पैदा होंगे, तो वो अपमान से बचने के लिए वो अपने आप को मार डालती हैं। तो ये स्त्रियों की विशेषता है, स्त्रियों के बारे में, स्त्रियों जिन स्वाभिमानी स्त्रियां अपने इज्जत, अपने सम्मान की रक्षा करना को करने की बात को महत्व देते हैं, वो अच्छी स्त्रियां मानी गई हैं, पतिव्रता स्त्रियां मानी गई हैं, वीर गर्भा मानी गई हैं, वीर पुत्र को जन्म देने वाली मानी गई हैं, उनकी सम्मान किया गया हमारे समाज में, शास्त्र में भगवान ने उनका सम्मान किया। और जो सती स्त्री होता है, पतिव्रता स्त्री होता है, तो उसके एक इशारे पे जो भगवान भी हैं वो हिल जाते हैं और उसके कहने को मानते हैं, उसमें बहुत शक्ति आ जाता है। ऐसा पतिव्रता स्त्री का उदाहरण किसमें दिया है, पद्म पुराण में दिया है, वो कथा किसी दिन सुनाऊंगा या सुना चुके हैं, मुझे ठीक से स्मरण नहीं है, लेकिन किसी दिन उस सुनने लायक है। वो पतिव्रता स्त्री अपने पति की जब ये हुआ,
सूर्योदय होने पर उसका पति की मृत्यु होने वाला था, क्या होने वाला था ऐसा, तो पतिव्रता स्त्री ने आदेश कर दिया यदि ऐसी बात है तो सूर्योदय होगा ही नहीं, ऐसा कह दिया तो सूर्योदय नहीं हुआ। अब दो दिन तीन दिन बीत गए, सूर्योदय नहीं, अंधेरा हुआ सब, तो हाहाकार मच गया सब जगह। तो ब्रह्मा को आना पड़ा उस स्त्री के पास खुशामद मरम्मत करने के लिए, समझाने बुझाने के लिए कि तुम ऐसा जिद मत करो, हम तुम्हारे पति को फिर जिला देंगे, इसको मरने दो अभी, कोई चिंता मत करो, फिर जिंदा हो जाएगा और ठीक ठाक हो जाएगा, सुंदर सुंदर हृष्ट पुष्ट हो जाएगा और हम अच्छा बढ़िया बना देंगे। ऐसे आश्वासन देने के बाद फिर वो स्त्री मानी है और फिर उसने अनुमति दिया है, ठीक है सूर्योदय हो जाए, तब सूर्योदय हुआ। तो सती स्त्री की ऐसी शक्ति, और भगवान विष्णु के मेरे स्वामी के प्रकरण में भी जो यही बात बताई गई है वो तुलसी के मामले में, और शालिग्राम बने थे भगवान तुलसी ने, उसने जलंधर बोल के एक राक्षस या असुर था, उसकी स्त्री पतिव्रता थी, सती थी। तो जलंधर दानव था, तो वो उसका स्वभाव है देवताओं को परेशान करना, तो वो सब किया तो जलंधर को कैसे बस में किया जाए, वो किसी के द्वारा परास्त होने वाला नहीं था। तो उसको फिर ये उपाय सुझा है कि उसकी पत्नी का पातिव्रत्य या उसका सतीत्व यदि थोड़ा सा नष्ट हो जाए किसी प्रकार से, तब वो जलंधर मारा जाएगा। तो भगवान जो है उनके जिम्मे ये काम दिया गया है, और वो बेचारे ये लीला किए हैं, और वो जलंधर का रूप बना करके भगवान स्वयं उसके औरत के पास गए हैं और उसके साथ रहे हैं, उसी से उसका सतीत्व, वो अपना पति समझ के स्वागत किया है, पतिव्रता है तो पति समझ के भगवान को स्वागत किया है। फिर वो बाद में उसको पता चल जाता है, तो फिर वो श्राप व्राप कुछ दे देती है, तो भगवान फिर जड़ पत्थर बन जाते हैं, शालिग्राम बन जाते हैं, उसमें इतनी ताकत है वो औरत में, भगवान जानते हैं ये बात, फिर भी भगवान वो लीला करते हैं, सजान बुझ करके सब लीला करते हैं। उसके पास जो ताकत है सती या पतिव्रता स्त्री के पास, वो ताकत कहाँ से आया, वो शक्ति कहाँ से आया, वो भगवान का दिया हुआ शक्ति है, और कहीं से शक्ति आ नहीं सकता है, भगवान शक्ति सबको देते हैं, जिसको जैसा जरूरत है, यथा योग्य कहते हैं इसको, यथा योग्य सबको शक्ति भगवान ही प्रदान करते हैं, और वही पत्थर भी बनते हैं, वही लीला करते हैं। तो इस तरह की बातें हुआ है, तो पतिव्रता स्त्री की बहुत महिमा, तो उसमें क्या आदेश किया गया है और कलयुग में क्या अवस्था है, वो भी हम भागवत महापुराण से 12वें स्कंद में लिखा हुआ है क्या, उसको थोड़ा भी उसको भी देखेंगे बाद में। अभी पहले हम प्रारंभ करते हैं इसे मनुस्मृति। मनुस्मृति रणधीर प्रकाशन हरिद्वार, अनुवादक हैं पंडित ज्वाला प्रसाद चतुर्वेदी, मूल्य 65 रुपया, प्रकाशक रणधीर बुक सेल्स प्रकाशन हरिद्वार, और वर्ष क्या है, तृतीय संस्करण 1992, मुद्रक सुरेंद्र प्रिंटर्स दिल्ली। तो इस तरह से ये है, तो मनु के विषय में लोगों को जानना चाहिए, कुछ सुनते हैं, और कुछ लोग मनु को, मनु जी को बदनाम करते हैं। मनु हमारे सभी मनुष्यों के पूर्वज हैं। मनु और उनकी धर्मपत्नी का नाम शत्रुपा, मनु शत्रुपा पहले पुरुष और स्त्री की जोड़ी है हमारे सृष्टि में। तो जितने भी मनुष्य हैं, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी देश के हो, वो सब के आदि पुरुष वो मनु है, मतलब फादर ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर होते 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 मूल जो है वो मनु और शत्रुपा है। तो इसलिए उनको नमस्कार करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उनके कारण हम हैं।
उनकी कृपा से हम हैं, वो हमारे पूर्वज हैं और पूज्य हैं, पूजनीय हैं। गाली देने के लायक नहीं है, गाली सुनने लायक नहीं है, लेकिन कुछ लोग खास करके ये जो दूसरे जाति के लोग हैं, शूद्र आदि हैं, वो लोग मनुवादी मनुवादी कह के कोसते हैं लोगों को। मनु का जी का कोई जाति नहीं था, क्योंकि वो पहला जोड़ी है, लेकिन ब्रह्मा से पैदा हुए हैं, तो बहुत उच्च कोटि के मनुष्य हो रहे हैं, बहुत भगवान जैसे बुद्धि उनकी। और भागवत महापुराण में एक स्थान पर भगवान मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र ने स्वयं ये बात कहा है कि मैं ही मनु बन करके मनुस्मृति का रचना किया हूँ। तो मनुस्मृति में जो भी नियम है वो भगवान के नियम है, ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ये बात को कह दिया है, मुखर होकर के कह दिया कि मैंने ही मनु बन के मैं मनुस्मृति रचना किया। तो मनुस्मृति ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य के आचार व्यवहार को के नियंत्रित करता है, नियम बनाता बनाया है। मनु पहला पम मनु तो एक हुए थे, उसके बाद मनवंतर कहते हैं, अलग अलग मनवंतर में अलग अलग मनु फिर होने लग पड़े, तो उसी में वो कह रहे हैं मनुस्मृति में स्वयंभुव मनु ने 100,000 श्लोकों में सब नियम बनाए थे, 100,000 श्लोकों में सब नियम बनाए थे। तो आजकल जो मनुस्मृति है उसमें इतने सारे श्लोक नहीं है, वो सब खोखा गए होंगे, उस समय प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं, तो इसलिए उलट फिर उसमें कुछ ना कुछ हुआ होगा। स्वयंभुव मनु हमारे आदि पुरुष थे, उनका विवाह शत्रुपा से हुआ था, उन्हीं की हम सब संतान हैं। उन्होंने सोचा कि जब मनुष्य की सृष्टि होगी, मनुष्य का विचार बढ़ेगा, तब रहने के लिए नियम की भी आवश्यकता होगी, बिना नियम के कोई समाज चल नहीं सकता, और इसलिए व्यवस्थित करने के लिए वो ये मनुस्मृति का रचना हुआ है। इसमें अभी जो मनुस्मृति मेरे सामने है ये 12 अध्याय इसमें है। तो इसके सीधा सीधा हम अपने विषय में आते हैं, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था प्रारंभिक बातें करने के बाद, और ये पृष्ठ संख्या 174 अध्याय 5 में ये बता रहे हैं, बाल्ये पितृ वर्षो तिष्ठेत प्राणिय ग्राह्यस्य यौवने पुत्राणां भर्तृवि प्रेते नाम भजेत स्त्री स्वतंत्रताम। स्त्री की स्वतंत्रता की बात है, वो कह रहे हैं श्लोक संख्या 148, बालिका हो या युवती या वृद्धा स्त्री को स्वतंत्रता पूर्वक घर का कोई काम नहीं करना चाहिए। स्त्री बाल्यकाल में पिता के, यौवनावस्था में पति के, और पति के परलोक होने पर पुत्रों के अधीन होकर रहे, कभी स्वतंत्र होकर ना रहे। ये सनातन धर्म का पक्का नियम कि स्त्री बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मरते दम तक स्वतंत्र रहने लायक नहीं है। स्वतंत्र रहने से उसमें दोष आ जाते, अपने को संभाल नहीं सकती है। चंचल मती स्त्रियों का अभी हम पिछले वीडियो रिकॉर्डिंग में बताए हैं, शास्त्र बताते हैं, चंचल बिजली की तरह चंचल,
वायु की तरह तेज गति, ऐसा बताए तो वही बात। तो स्वतंत्रता स्त्रियों के लिए नहीं है। तो आजकल जो स्त्री की स्वतंत्रता और उसको सशक्तिकरण और लिबरेशन लिबरेशन मतलब स्वतंत्रता और एम्पावरमेंट और क्या क्या बातें बताई जा रही हैं, ये सब दूसरे देशों के अधिकतर पश्चिमी देशों की सभ्यता की बातें, हमारे देश के ऐसे नियम नहीं है। लेकिन वो क्योंकि बहुत आसान है और मज़ेदार है और स्त्रियों को उछल कूद करने में मौका देगा, वो उनके अधिकार को, उनको अधिक अधिकार मिलेगा, उनका अहंकार को भरने वाला है, इसलिए उसको औरतें पकड़ ली हैं, स्त्रियां सब, कि हम भी, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। जब पश्चिम में है तो हम क्यों नहीं, जब वो कपड़ा उतार के फिल्म में एक्टिंग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, अगर वो फिल्म में किसिंग कर सकते हैं तो हम क्यों किसिंग नहीं कर सकते हैं, ये मूर्खामी वाली बात। अरे अच्छाई में कंपटीशन करो, जो गंदी चीज है उसको पकड़ने के लिए क्यों। तो इसलिए पावर भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, पोस्ट भी चाहिए, सीनियर पोस्ट हम भी हो सकते हैं, आर्मी में भी हम जा सकते हैं, बीएसएफ में भी जा सकते हैं, पुलिस में भी जा सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, असल में कर नहीं सकते हैं, लेकिन जोर जबरदस्ती नाजुक स्थिति में मुसीबत में पड़ेंगी। लेकिन ये एक अभियान जैसा बहुत बड़े पैमाने पर ये चला हुआ है और परिवार जो है एकदम टूट रहा है, परिवार और परिवार मन करके नहीं है वो, किसी प्रकार से आजकल के नए फैशन में लिव इन करके रहो, एक दो साल तीन साल जितना साल जो कुछ करना है करो, उसके बाद तो सब अलग अलग को सबको रहना है, इंडिपेंडेंट होकर सब स्वतंत्रता चाहते हैं। लेकिन स्त्री के लिए नियम के अनुसार स्वतंत्रता नहीं है, दिया नहीं है सनातन धर्म ने। उसके बाद श्लोक संख्या 149 और 150, इसमें कह रहे हैं पिता पति या पुत्र से पृथक रहने की इच्छा ना करे, क्योंकि इनसे अलग रहने वाली स्त्री दोनों कुलों को निंदित करती है। स्त्री को सदा प्रसन्न रहकर दक्षता के साथ घर के कार्यों को संभालना चाहिए। नित्य व्यवहारों में आने वाली सामग्रियों को साफ रखना चाहिए और जहाँ तक हो सके कम खर्च करना चाहिए। यह उसके आगे का ऐसा है कि पिता पति या पुत्र, बुढ़ापे में भी माँ जो है वो बेटे के अधीन रहेगी, ऐसा नियम है हमारा, मतलब बेटे की मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकती है। माँ बुढ़िया है, माँ है वो जरूर, लेकिन उसका विशेष अधिकार सब समाप्त हो जाता है। जब पति नहीं रहता है तो माँ पुत्र के आश्रय में रहता है। हाँ कोई बात कहेगी माँ तो लड़का तो मानेगा ही, मानता ही है, नियम भी यही है मानने वाली बात, लेकिन किसी में अगर पुत्र कुछ निर्णय ले ले कि नहीं माँ इसमें ऐसा नहीं हो सकता है, तो माँ को उसको मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा ऐसा। और अगर ऐसा नहीं करेंगे, अकेले रहने की करेंगी, तो वो अपने दोनों कुलों को, पति और पिता, जो स्त्री की पिता का कुल है और उसका पति का कुल है, मतलब लड़के का कुल है, अपना कुल है, वो दोनों बदनाम हो जाएंगे। और बाकी घर के काम धाम पूरा करना है औरत को, इसमें साफ नियम बता दिया। और आभूषण बर्तन कपड़े लत्ते जितने भी आंगन बुहार झाड़ बुहार ये सब चीज उसको संभालना है, करना है। और द्रौपदी का प्रकरण हो सकता है आएगा अभी, उसमें हम अगर हो सका तो पढ़ेंगे कि द्रौपदी अपने विवरण बताई है कि वो क्या क्या काम करती थी। द्रौपदी के पास इतनी जिम्मेदारियां थी जो सम्राट युधिष्ठिर की धर्मपत्नी के हिसाब से, कि वो उसको समय नहीं मिलता था, ऐसा काम ही काम भरे हुए हैं उसके पास काम, इतने जिम्मेदारी दिया गया है उसको, सब सेवा संबंधी।
सबकी सेवा कर रही है। तो औरतें बहुत काम संभालती हैं, करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन करें तो आजकल के कौन करेगा। चलो उसके बाद श्लोक संख्या 151 152, पिता या पिता की आज्ञा से भाई जिस पुरुष का हाथ थमा दें, जीवित अवस्था में उसकी शुद्ध हृदय से सेवा करे और उसके मरने पर धर्म का उल्लंघन ना करे। विवाह में उन दोनों पति पत्नियों के स्वस्त्ययन और प्रजापति के उद्देश्य से जो हवन किया जाता है वह उसके कल्याण निमित्तक कर्म है, परंतु वागदान के अनंतर स्त्री पर स्वामी का ही अधिकार होता है। उसकी विवाह के बारे में, स्त्री कैसे विवाह होना चाहिए या होना है, होने का नियम है। जैसे लड़की है, विवाह योग्य हो गया तो पिता या पिता की आज्ञा से उसका भाई, मतलब उसका पिता का लड़का, वो जिस पुरुष के हाथ में उस लड़की का हाथ दे देंगे, जिस लड़के के हाथ में उसका लड़की का हाथ दे देंगे कि ये तुम्हारा पति है, बस वो उसकी हो गई। उसको मानना पड़ेगा, उसमें कोई ऑब्जेक्शन करने की, आपत्ति करने का गुंजाइश नहीं छोड़ा है कि उसको कभी देखा नहीं या सुना नहीं, जानते नहीं है, फलाना है, ढिमाका है, कुछ नहीं। जो पति पिता दे दिए लड़की का हाथ, वो लड़के के हाथ में, तो वो उसका पति होगी, उसी के साथ उसको रहना है और उसकी पूरी सेवा करनी है जीवन भर शुद्ध हृदय से, और उसके मरने पर भी धर्म का उल्लंघन नहीं करना है। विधवा होने का, विधवा के लिए जो नियम है उसका पालन करना है निष्ठा के साथ। फिर धर्म का उल्लंघन करने का मतलब इधर उधर टांग जा करके दूसरे किसी पुरुष के साथ ना चले जाओ रहने के लिए, वो मना है। वो इसमें स्पष्ट नहीं लिखा है, लेकिन इसी तरह की बातें उसमें है, ऐसा संकेत मिल रहा है। और पत्नी जब हो जाती है किसी की, तो उस पर उसके पति का, मतलब स्वामी का ही पूरा अधिकार होता है, फिर पिता का अधिकार समाप्त हो जाता है। वो पत्नी की घर की हो गई और पति के घर की हो गई, और पति उसको जैसे रखे वैसे रहेगी। फिर 153 154 श्लोक संख्या, इसमें कह रहे हैं साध्वी स्त्री को सर्वदा देवता की तरह अपने पति की सेवा करनी चाहिए। सुहागन स्त्री, साध्वी स्त्री मतलब सुहागन, जो भी सुहागन स्त्री है उसका मुख्य काम यही है कि वो देवता मानकर पति की सेवा करे, आज की तरह नहीं, कल युग में जो बातें हो रही, ये नियम है। और इसका जो भी उल्लंघन कर रहे हैं आजकल, उनको सबको पाप लग रहा है। स्त्री बुद्धि, वो जीत करके उठपटांग हरकतें करना छोड़ते नहीं है और निंदनीय आचरण करते हैं, पति की अवज्ञा करके इधर उधर ताक झांक करती हैं, वो पाप कर्म होगा, भगवान विधान करेंगे, उनको नरक में जाना पड़ेगा, नरक भुगतना पड़ेगा और अगला जन्म भी इसी तरह का गंदा जन्म होगा। स्त्री योनि अच्छी योनि नहीं मानी गई है। उसके बाद श्लोक संख्या 155 156, स्त्रियों के लिए ना अलग यज्ञ है, ना व्रत है और ना उपवास है, पति की सेवा से ही वह स्वर्गलोक में पूजित होती है। पति लोग पाने की इच्छा वाली सुशीला स्त्री अपने जीने या मरे पति के लिए कुछ भी अप्रिय कर्म ना करे। पति के मरने पर स्त्री पवित्र फल मूल और मूल खाकर देह को क्षीण करे और परंतु पर पुरुष का कभी नाम ना ले, ये पक्का नियम है। अभी कोई घंटी बजाया है तो जाएंगे, तो ये समझने वाली इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये सा नियम, पति की सेवा करे, पति के मरने के बाद जो है अपने फल मूल खा कर ज़्यादा स्वादिष्ट खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, और शरीर को क्षीण करके जितना जल्दी हो सके वो भी चले यहाँ से।
और दूसरे पुरुष की तरफ ना देखेंगे। तो आगे फिर अगली चर्चा करेंगे। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री।